नेहा महंत की कहानी तुहानू सुनान जा रहे हैं। 13-14 साल की उम्र इन्हों पता लगता है ये एक महंत ने। इन्ह के फादर साहब वालों इन्ह की कुटमार की जाती है कि तू मुंडिया वांग रह। एक दिन अजिहा आता है इन्हों कमरे दे विच बंद करके लत्तां बाहां बन्न के कुटदे ने ते गरम गरम पानी विच खड़ा कर देंदे ने, जिस नाल इन्हां दे पैरां ते छाले हो जांदे ने। स्कूल दे मुंडे इन्हां नूं धोखे नाल सिनेमा घर विच बुला के इन्हां दे नाल धक्का करदे ने, इन्हां नाल रेप करन दी कोशिश करदे ने, कपड़े खोलन दी कोशिश करदे ने। तियां ऑर्केस्ट्रा लाइन विच काम भी कीता, उत्थे मुंडे शराब पी के इन्हां दे नाल गलत हरकतां करदे सीगे, गलत इशारे करदे सी, किसे ने हाथ फड़ लेना, किसे ने गल च बाह पा लेनी। जदों भरा दा व्याह कीता जांदा है तां इन्हां तों पैसे तो लै ले जांदे, पर इन्हां नूं इह तक नहीं दस्सिया जांदा कि व्याह किदण है। चोरी व्याह कर दिता जांदा है। चाई चाई जदों अपने भतीजे नूं चुकदे ने तां इन्हां दी भरजाई भतीजे नूं हत्थों खो लैंदी है ते इह कह दिंदी है कि असीं अपने बच्चे नूं खुसरियां दा परछावां नहीं देना। जिदा मेरे किनर्स वाले शौक से स्टार्टिंग तो नेल पेंट लाना, लिपस्टिक लाना, चूड़ियाँ पाया है ना, मैंने वधिया लगदियां सीगियां। जिदा मैं अपनी सिस्टर की फ्रॉक वगैरह पानी मैंने बहुत वधिया लगते, मैंने इस तरह देख के मेरे पापा तो मैंने बहुत ज़्यादा डांट पैंदी हुंदी सी, मैंने कुटदे मारदे भी हुंदे सी भी नहीं तू इदां नहीं रहना हैगा। मेरे छोटे मामा जी की मैरिज सीगी ते उस टाइम जिदा मैं लेडीज ड्रैस पा के बाल बूल जे बना के लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं डांस कर रही सी, उस टाइम मेरे मामे ने फड़ के मेरे 2-3 चपेड़ा मारियां। उस टाइम मेरी मम्मी उन्होंने गुस्से हो गए सी, असीं उस टाइम मैरिज छड्ड के उत्थों आ गए सीगे। कहते तू आ की है, साड़ी बेइज्जती हो रही है, साड़े रिलेटिव्स आए हुए ने। कि मैंने स्कूल दे विच भी बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां सी, जिहड़े मेरे क्लासमेट्स होंदे सीगे वह मैनू बहुत अजीब अजीब नामां दे नाल मैनू बुलाउंदे सीगे। जिद्दां मैनू कहना किसी ने जनाना कहना, चक्का कहना, टैंपू कहना, इदां दे वर्ड्स मैनू नॉर्मली सुनन नूं मिलदे सीगे। ते इदां जी एक मेरा फ्रेंड बनिया उत्थे क्लास दे विच, ते मैनू बहुत वधिया लगे भी मेरा कोई मेरा भी कोई फ्रेंड बनिया जां मेरे नाल डैस्क ते कोई बैठ रहा वा। फिर एक दिन उन्हें मैनू कहा कि चलो आप स्कूल तो बंक मारते हैं तो आप मूवी देखने चलते हैं, पर मैनू नहीं पता उन्हें एक दो फ्रेंड्स नू होर भी अपने कहा हुआ, तो वो नोन का सीगा जिहड़ा थिएटर सीगा। तो असी थिएटर दे विच गए जदों मूवी मतलब हजे स्टार्ट भी नहीं सोई उत्थे उन्होंने मेरे फिजिकली हरासमेंट स्टार्ट कर दी। तो जिदा 3-4 जने सीगे मेरे कपड़े रिमूव करन दी कोशिश कर रहे सीगे, तो जिदा रेप करन दी बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की मेरे नाल, मेरे कपड़े रिमूव करने, कहते तेरे चेक करना तू की चीज़ आ, भी तू कुड़िया वांगू रहना है, तू मुंडा है कि कुड़ियाँ, असं तेन चैक करना चाहते हैं। इदा मतलब मेरे किसीम वगैरह बाइटी वगैरह दंद मारने दंदियाँ मारने शुरू की, उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा हरासमेंट उत्थे की। 15-20 मिनट मैं बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने उत्थे झेलिया, तो किदा ना किदा करके मैं उतो निकल के भज के चल गई। तो मैं यही सेम इंसीडेंट अपने पापा जाके दसिया, तो उल्टा मेरे पापा ने मेरी हैल्प तक की करनी सी, उल्टा मैनू ही डांटन लग गए, कहने तेन किन्ना वारी समझाया तू मुंडिया वांगू रिहा कर, वाले लक्षण कर दी तू इदा कर दी तू जनाने वाले लक्षण कर दी, ठीक है बाल बधाए नौ बधाए तेरे अपने लक्षण ही इदा के काम कराने तेरे इदा ही होना वा। तो उस टाइम मैं घर छड़ के चली गई सी, तो अगले दिन ही उन्होंने मैं लभ लिया सीगा, तो चलो मैं घर ले आता, तो घर आके मेरे डैडी ने किया सारे शाम का टाइम ड्रिंक उन्होंने की हुई, सारे घर दिन बाहर कड़ के अंदरों कुंडा ला लिया दीदी, तो मैंने इन्ना ज़्यादा उन्होंने कुटिया इन्ना ज़्यादा कुटिया, मेरी इन्हें उपर बाहवा बन दियां, मैंने अज भी याद आ दिन बाहवा बन के मेरे इतने आ जाएगा, तो उन्होंने टंबा जिहड़ा जिन्हों कह देंदे आ एक लक्कड़ का पीस वो इतने रख लिया, तो मैंने इन्ना ज़्यादा कुटिया। तो उस टाइम ना जिदा पानी गर्म रखा हुआ से मेरे मम्मी ने अंगीठी के उपर गर्म पानी का वड्डा पतीला रखा हुआ सीगा, तो उबलते उबलते पानी के मेरे डैडी ने मेरे चक्के खड़ी कर दिता सीगा, मेरे सारे पैर दीदी मच गए सीगे हड्डियां के उत्ते, इतों तक मेरे पैरों के उपर छाले पै गए सीगे। फिर उस टाइम जिहड़े साडा जिथे घर सीगा घर के आंढ गवांढ दे जिन्ने सी लोकां ने उन्होंने कंध टप के अंदर आके दरवाजा खोल के मेरी हैल्प की, मैंने बचाया डैडी तो। तो उदो 2-3 दिन मैं अपने गुआढ़ियों के घर रही हाँ, तो डैडी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब नफरत कर लग गए सके। रिटेल लाइन के मैं जॉब की आ, पिंडा टाइप के मुंडे या कोई जिदा अनएजुकेटड बॉयज कह देंगे आते सके, वो मेरे से कमेंट वगावाजी भी कर जाते कई बार भी इन्होंने तो महंतर किन्नर रखे हुए ने, खुसरे रखे हुए ने, इदा के वर्ड मैंने सुनने मिलते सके, वो देखो देखो टैंपू टैंपू काम करता है, तो इदा दी गल्लां मैंने सुनने मिलदियां सीगियां। बहुत ज़्यादा मैंने फील हुंदा सीगा, दा कॉन्टैक्ट कुछ ऑर्केस्ट्रे ग्रुप के नाल भी होया, जिदे विच मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम ऑर्केस्ट्रे ग्रुप नाल भी काम किया, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा हरासमेंट मैडम हुंदी सीगी। तो जिदा गर्ल्स ने कोले बहना मैं उन्होंने कहना साडे कोल तू कपड़े चेंज करने तो उधर जाके कपड़े चेंज कर, तो जिहड़े बॉयज़ हुंदे सी भंगड़े वाले उन्होंने कहना ले कर ला तू किहड़ा कुड़ियां इत्थे साडे सामने कर ला कपड़े चेंज, जिहड़ा ओनर हुंदा सी साडे ग्रुप दा उन्हें कुड़ियां नूं नीचे बुला लेना रूम च, तो मैनूं कहना तू नच्ची चल शराबियां नाल, तो उत्थे उन्होंने मुंडिया ने मैंने हरासमेंट करनी नचती थी, किसी ने मेरी बाँह मरोड़ देनी, किसी ने मेरे इत्थे गल ते इदां हत्थ पा के नचना इदां दा करना, तो मैं अपने जदों कंप्लेन के तौर पर मैं इदां देखना अपने मालक वल नूं,
जो ग्रुप ओनर सेगा उन्हें कहना कोई गल नहीं कुछ नहीं फर्क पैंता तू नची चल पैसे आ रहे हैं। उन्हें मेरे डिस्कस की भी मैं लव मैरिज करवाई भी मेरी क्लासमेट सी कुड़ी तो मैं सारा मैं क्या भी तू टेंशन ना ले मैं सारा कुछ करूँगी मैं सारा मैरिज का जो भी खर्चा उन्होंने होया मैं किया पर मैं मैरिज से इनवाइट नहीं किया गया कारण यही कि मैं किनर है मैनू दसिया नहीं मैरिज कि तरीक की है मैरिज तो बाद मैं पता लग गया स्टेटस देख के फोटो देख के मैरिज हो गई है मैनू ज मैनू पता ही नहीं मैं सारा खर्चा मैं दिता मेरे तो पैसे भी लेके गए असी शॉपिंग करनी असी मैरिज प्लैन कर रहे हैं जस्ट मैं यही दस दे रहे हो पर मैं मैरिज तो दूजे तीजे दिन पता चल रहा कि मैरिज होगी। मैं अपनी औकात मैं याद आ गई मेरी औकात यही है मैं मेरा पैसे वेलकम से मैं वेलकम नहीं सी है उन्हों का बेटा होया मैं उदो घर आई मेरे ब्रदर के बेटा होया तो कह मैरिज तो डेढ़ दो साल बाद उस टाइम मैं घर प्रॉपर आई मैं पता लग गया मैं बहुत खुशी हुई मेरी भरजाई ना जिदा किचन चीगी तो बरे मेरे मम्मी को फड़या होया मुंडा मैं गोदी से चक्या इन मेरी भरजाई आ गई उन्हें मेरे हाथ चो इदा बच्चे खो लिया कहती असं खुश रहें तो परछावान नहीं देना चाहते बच्चों तो उदा मेरे ब्रदर भी कहती रही भी इनू क्यों साढ़े घर ना आया करे मैं जो बहर अंदर जाती हाँ मेरे रैलेटिव या मेरे फ्रेंड्स मैंने पूछते भी ये तेरा जेठ आ कि तेरी ननान आ की चीज़ आ तेन कि वर क्या साढ़े घर नहीं आने की लड़ हैगी भी महंता महंता च चंगे लगते हैं महंता च ही रहा कर साढ़े घर तेरा की आने का मतलब जो मेरा भाणजा होया उस टाइम मैं 3-4 लाख का खर्चा किया एक मैं चैन सोने की उन्होंने पाई जो पंजीरी देकर भेजा कपड़े वगैरह सारे पर मैं उत्थे जाने का ऑर्डर नहीं है कहते तू ना आई कहते तू मैं कहती शरीके च बैठी हाँ मैंने की पूछे मैं की कहूँगी भी कौन तो फिर मैं मैसेज आया कि इदा करके डैडी बहुत ज़्यादा ढिले आ मेरे चाहे तो मेरी फैमिली ने तो मेरे रैलेटिवस ने मैंने स्पैशल फोन करके या मैंने इदा दसिया भी कहने तू इदा घर ना आई कहने तेरी आ रंग रूप देख के आ तेरा भेष देख के जे उन्होंने 4 दिन जीण उन्हें तो भी नहीं जीना तो जोंदे जी मर जाएंगे तो पर मैं लास्ट टाइम उन्होंने मिलना चाहती सी इस करके मैं डैडी मिलन के लिए मैडम मैं अपने सारे बाल कटवा दते मेरे लंबे लंबे बाल वधाए हुए थे सारे मैं बाल कटवा दते छोटे छोटे बाल किए मैं अपने जिहड़ी लुक मेरे डैडी मेरी पसंद सी मैं सेम वह लुक लैके आँदी अपना नक् चो कन्न चो सारा कुछ कढ़ दिता मैं तो बाल छोटे छोटे करवा ले पेंट शर्ट पा के जेंट्स प्रोपर जेंट्स लुक दे विच मैं अपने डैडी के सामने गई डैडी का लीवर डैमेज होने करके उन्होंने जिदा लैटरीन बाथरूम वगैरह का मतलब पता नहीं लगता उन्होंने वो मतलब जो बाद पता लगता से भी मंजे पर ही हो जाता से उन्होंने तकरीबन उन्होंने मैं 6-7 महीने मैडम मंजे पर सांभिया उन्होंने तो जिद मैं मतलब थोड़ा उन्होंने वधिया लगन लग गया भी हाँ ठीक आ तो क्योंकि मैं प्रॉपर जो जिदा की लुक उन्होंने पसंद से मैं उदा ही रह के उन्होंने सेवा की तो वो कस्टमर साढ़े स्टाफ तो पता लगे कि इदा करके डैडी की डैथ हो गई करके जॉब पर मैं काफ़ी टाइम जॉब पर नहीं गई तो वो मेरा एड्रैस कन्फर्म करके मैं परसनली मिलना आए घर तो उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी उन्होंने सारी रियलिटी मैं दसी इदा करके इदा होया तो उन्होंने मतलब मैंने बहुत हमदर्दी दिखाई दी उन्होंने मैनू यूके का वीज़ा मतलब मैनू अपलाई करवाया उन्होंने उन्होंने रियलेटिवज़ बाहर से तो मैं उन्होंने अज भी बहुत धन्यवाद करती मालक उन्होंने लंबी लंबी उम्र करे उन्होंने तंदुरुस्तियां दे उन्होंने हसते वसते रहन तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा मेरा लगवाया यूके का मैनचेस्टर सिटी के मैं 2.5 साल रह के आई किन्नर होना एक शराप ही है जी कोई पिछले जन्म की कोई इदा की कोई पाप किया होगा या कि कुछ इदा का किया होगा जो सूँ ये लाइफ मिली है कल मैनू नहीं मैं सोचते सारे किन्नरस एक शराप की जिंदगी भुगत रहे हैं असं ठीक है कल रहना बहुत औखा है ठीक है हुण दुनिया के उत्ते नर बने मादा के वास्ते मादा बनी नर वास्ते मेल फीमेल वास्ते फीमेल मेल असी तो कल रहने वास्ते रब ने बनाया सानू तो असी कल ही जिंदगी कढ़नी है सारी ठीक है ना बच्चे होने हैं ना ना हसबेंड ना वाइफ ना कुछ सिर्फ कल ही रहना एक पेड़ दी अंगू बस जिदा एक पेड़ है ना दरख्त वा दरख्त तो फिर फुल बूटे लग जाते हैं सानू तो वह भी नहीं लगने जे किसी आप दसांगे तो लोग ताड़ी मार के हसते हैं आ खुसरा की करी जाता इदा दल सुन मिलदियां ने। सत श्री अकाल मैं हाँ तुहाडे नाल जसप्रीत अज तुहाडी मुलाकात नेहा महंत दे नाल करवाण जा रहे हैं जदों 13-14 साल की उम्र हुंदी है इन्हां दी तां इन्हां नूं पता लगता है कि यह महंत ने तो यह कुड़ियां वाग रहना शुरू कर देने इन्हां दी जिंदगी दे विच बहुत कुछ हुंदा है बहुत तशद्दुद भी होया अज इन्हां दी कहानी तुहानूं सुनावांगे सब तो पहला स्वागत कर लैंदे हां मैं बहुत बहुत स्वागत सत श्री अकाल जी अदीब टीवी दे जुड़े नाल जुड़े हो जिन्हें भी दर्शक आ सारे नूं अदाब सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल कि मैं ठीक हूँ हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी जदों जन्म हुंदा है ना
पेरेंट्स नूं पता हुंदा बाय बर्थ कि साडा बच्चा मेल है फीमेल है जां थर्ड जेंडर, किदां दा माहौल हुंदा घर दे विच? हाँ जी बिल्कुल, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। जदों मेरा बर्थ होया तो जिदा मेरी फैमिली नूं थोड़ी बहुत नॉलेज सीगी मेरे बारे, तो पर जिहड़े मेरे मॉम ते डैड सीगे ओह मैनूं किनर्स दे विच भेजणा नहीं सी चाहुंदे, तो वह मैनू अपने कोल अपना बच्चा बना के रखना चाहते हैं। जिदा थोनू मैडम पता है, चाहे कोई कुड़ी है चाहे कोई मुंडा चाहे कोई थर्ड जेंडर है, जो तो बर्थ हुंदा वा तो एक माँ नौ महीने सेम उही तकलीफा हुंदियां ने, उन्हूं उही दर्द सह के बच्चे नू जन्म देना पैंदा, चाहे वह बेटी होवे चाहे बेटा होवे चाहे असी होइए। तो इस करके मेरी माँ मैनू उन्हां कोल भेजना नहीं सी चाहुंदी, तो इस करके उन्होंने डिसाइड किया कि मैनू एक मेल डिसाइड मतलब एक्सपोज किया सारे सामने कि साडा एक बेटा होया है मुंडा होया है। तो इदा ही उन्होंने मैनू मुंडा बना के रखिया स्टार्टिंग तो। तो पिंड दे विच पहला सी रहिंदे सी पिंड भरोवाल कलां तो जी मैं बिलोंग करदी, मेरा जन्म उत्थों दा ही बर्थ। तो जदों मैं 4-5-6 साल की होई तो जिदा मैनू अपने शौक जिदा सी मेरे किनर्स वाले शौक से स्टार्टिंग तो नेल पेंट लाउणा लिपस्टिक लाउणा चूड़ियां पाउणियां है ना मैनू वधिया लगदियां सीगियां, जिदा मैं अपनी सिस्टर की फ्रॉक वगैरह पाउणी मैनू बहुत वधिया लगदी सीगी। तो मैं इस तरह देख के मेरे पापा तो मैं बहुत ज़्यादा डांट पैंती होंगी, मैंने कुटते मारते भी होंगे भी नहीं तू इदा नहीं रहना है भी तू तेन असं बॉय बना के रखना, तू बॉय बना बन के रह तू एक बॉय आ। उन्होंने मैंने कदम फील ही नहीं होने दिता कि आ मैं किनर। तो दैन फिर उन्होंने पिंड के पता पिंड एक शहर के माहौल ना पिंड का माहौल चेंज हों, पिंड सारे एक दूजे गांह दी गांह जानते होंगे, कोई भी गल हों मिनट तो पहला सारे पिंड पता लग जाती है। तो इस करके मेरे पापा ने डिसाइड किया, उन्होंने ना साड़ी पूरी फैमिली नूं लैके असी शिफ्ट हो गए शहर के। शहर के इदा आ ज़्यादा मतलब आप जिदे ज़्यादा रिलेशन रखना चाहते हैं जी दसना चाहते हैं आप उन्ना की किसी वरतते हैं इन्ना मतलब ज़्यादा किसी को पता नहीं लगता। शहर के भी उन्होंने मैं एज ए मेल ही मतलब एक मुंडा बना के मतलब मैं रही हाँ, मैं क्लास वगैरह ज्वाइन की पर मेरी जीडिया मेरी बॉडी लैंग्वेज सी ज मेरे मेरा नेचर सगा वह प्रॉपर गर्लिश जहाँ, तो जिदे करके मैंने स्कूल के भी बहुत प्रॉब्लम्स आदियां सी, जो मेरे क्लासमेट्स होंगे सके वह मैंने बहुत अजीब अजीब नामों के नाल मैनू बुलाते सके, जिदा मैनू कहना किसी ने जनाना कहना छक्का कहना टेंपू कहना इदा के वर्ड्स मैनू नॉर्मली सुनने को मिलते सके। तो जिदे बारे मैनू इन्नी खास उदो इन्नी भी नहीं सी नॉलेज होंगी, जिदे जिदे टाइम लंघता गया जिदा 13-14 साल की उम्र होगी उस टाइम थोनू पता जदों ग्रोइंग एज होंगी अपने सारे बॉडी पार्ट्स भी ग्रोइंग ग्रो अप होंगे उन्होंने टाइम के अपना माइंड भी ग्रो अप हों उस टाइम के उदो जो अपने क्लासमेट्स के नाल आप एक दूजे ने अपनी बॉडी बारे ज अपनी लाइफ बारे डिस्कशनस शुरू करते हैं तो उदो मैनू प्रॉपर फील नहीं होया, प्रॉपर मैनू पता ही लग गया कि आई एम नॉट अ नॉर्मल आई एम नॉट अ बॉय आई एम नॉट अ गर्ल आम अ किनर आम अ थर्ड जेंडर। तो उस टाइम मैं डिसाइड कर लिया कि मैं जो हाँ मैं उदा ही रहना पसंद करूँगी भी मैनू इदा कुछ होर हो के किसी होर नकाब के रहना मैनू पसंद नहीं सी हैगा, मैं अपना जिहड़ा मुंडे वाला नकाब वो लाना चाहती सीगी। तो जिदे वास्ते मेरी फैमिली बिल्कुल भी मतलब राजी नहीं सी हैगी। तो उस टाइम तो मैं अपना मतलब उस तरह का रहना शुरू किया जिदा मैं अपने फीमेल दे टॉप्स जीन्स वगैरह लेडीज़ ड्रेसिस वगैरह मैं ज़्यादा पसंद होंदिया सीगियां लैनिया स्टार्ट कीतियां। उस तो पहला भी जिहड़े भी साडे कोई फंक्शनस हुंदा सी ना फैमिली फंक्शन हुंदा सी कोई मैरिज ते जाना जां गली गवांढ किते मैरिज ते जाना तां मैं फीमेल सोंगस दे उत्ते फीमेल स्टैप डांस ही करदी हुंदी सीगी, कईआं नूं पसंद भी आउंदा सी ते कई मेरे ते हसदे भी हुंदे सीगे कहिंदे सीगे भी आ दे की इहने लक्षण कीते होए आ ते की जनाने वांगू नच्चण लग्गा आ इदां दीआं गल्लां मैनूं नॉर्मली इंसीडेंट याद आ। मेरा फैमिली का जिदा मेरे किनर होने के नाते मेरी जिहड़े रैलेटिवस ने 80% रैलेटिव साडे नाल टुट चुके साडे नाल वरतदे नहीं हैगे, मेरी मम्मी नाल नहीं वरतदे साडे नाल नहीं वरतदे क्योंकि उन्होंने ये भी किनर तुसीं घरे क्यों रखिया होया वा। अच्छा। क्यों मैं एक किनर हाँ मैनू माँ ने जन्म नहीं दिता, मेरा अपनी माँ के प्यार से अपनी फैमिली से कोई हक नहीं है क्योंकि मैं एक किनर हाँ, उन्होंने ये सोचनी सी भी किनर डेरिया चंगे लगते हैं इन्हों जन्म के टाइम ही उत्थे भेजना चाहिए सीगा पर मेरी फैमिली ने मैनू मेरे मम्मा ने नहीं भेजे क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करते, इस करके मैं अज मम्मा नहीं छड़ रही मैं मम्मा के नाल ही रह रही अपने। तो जिदा मेरे मामा जी उन्होंने जिदा मैं फंक्शन उन्होंने मैरिज फंक्शन सगा मेरे छोटे मामा जी की मैरिज सी तो उस टाइम जिदा मैं लेडीज़ ड्रैस पा के बाल बूल जे बना के लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं डांस कर रही सी उस टाइम मेरे मामे ने फड़ के मेरे 2-3 चपेड़ा मारियाँ। तो उस टाइम मेरी मम्मी उन्होंने गुस्से हो गए से असं उस टाइम मैरिज छड़ के उतों आ गए थे भी कहते तू आ की है साड़ी बेइज्जती हो रही है साड़े रिलेटिवस आए हुए ने ते इन लॉज वगैरह आए हुए ने बड़े मामे दे सारे वो की कहणगे की आ वगैरह तुसी किनर नूं बुलाया होया इदा वगैरह होया।
ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਡ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਪਲਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ 1 'ਚ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 10th ਕਲਾਸ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪਲੱਸ 1, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਾ। 10-15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੰਦ ਮਾਰਨੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੇਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੌਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ, ਨੌ ਵਧਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਡਾਂਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹੀ ਆ, ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਨਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਨਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਰਲੀ ਸਟੋਪ ਵਗੈਰਾ, ਜੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਸੂਟ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
तो मैंने इन्ना ज़्यादा उन्होंने कुटिया इन्ना ज़्यादा कुटिया मेरी ना उपर बाहवा बन दियाँ मैंने अभी भी याद आ दिन बाहवा बन के मेरे इतने आ जगह ना उन्होंने टंबा जरा जिन्होंने कह देंगे एक लकड़ का पीस वो इतने रख लिया तो मैंने इन्ना ज़्यादा कुटिया तो उस टाइम ना जिदा पानी गर्म रखा हुआ मेरी मम्मी ने अंगीठी के उपर गर्म पानी का बड़ा पतीला रखा हुआ भी जिदा असी ना उदो ईवनिंग टाइम ना आते होंगे अगले दिन मॉर्निंग ठंड च नहीं नहाता जाता तो उबलते उबलते पानी के मेरे डैडी ने मेरे चक्के खड़ी कर दिता सगा तो अंदरों कुंडा लाया हुआ मैंने कोई छुड़ाने वाला भी है नहीं सगा इन्ना ज़्यादा मेरी कुट पई से उस टाइम बस इस गल करके कि मैं एक किन्नर हाँ तो मैं किन्नर वगू रहना पसंद करती हाँ उदा ही रहना चाहती हाँ बस मेरे सारे पैर दीदी मच गए थे अड्डिया के उत्ते इतों तक मेरे पैरों के उपर छाले पै गए थे फिर उस टाइम जेडे साडा जिते घर घर के आंढ गुआंढ के जिन्ने से लोगों ने उन्होंने कंध टप के अंदर आके दरवाजा खोल के मेरी हैल्प की मैंने बचाया डैडी तो उदो दो तीन दिन मैं अपने गुआढ़ियों के घर रही हाँ तो डैडी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब नफरत कर लग गए थे उस तो बाद घर नहीं जाने दो तीन दिन उस तो बाद दो तीन दिन मैं हाँ जी मैं अपने घर नहीं गई मैं किसी के घर रही मेरे पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे मैं तो तुर भी नहीं हो रहा तो जितने बैठी हैं बैठी हैं तो चलो मेरे मम्मा ने तो मेरे आंढ गुआढ़ ने मेरा उदो ट्रीटमेंट करवाया मेडिसन वगैरह मैंने दवाई चलो तीन चार दिन मैंने लग गए मेरे पैर ठीक होने तो फिर मैं चलो घर आना जाना शुरू किया तो जो तो फिर मैं तुम दस स्कूल मेरे ना फिजिकली है मतलब हरासमेंट हुई सी उस टाइम मैं घर ही छड़ दिता से अपना जो तो मैं अपने डैडी ने कंप्लेन की क्योंकि कोई भी बच्चा आया है ना ठीक है उन्हें अपने पेरेंट्स से सब तो ज़्यादा माण हों भी मेरे ना जो कुछ गलत हो रहा वा तो उस चीज़ की कंप्लेन उन्हें अपने पेरेंट्स नू करनी होंगी है तो जब पेरेंट्स नहीं साथ देंगे तो बच्चा की करूँगा ठीक है उस टाइम मेरा फैमिली वालों बिल्कुल दिल मेरा टुट गया तो मैं अपना घर छड़ के मैं लुधियाने रेंट पर रहन लग गई तो उत्थे जो मैं रहना रहने तो स्टार्ट करन तो पहले मैं जॉब भी लभी मैं जॉब भी की रिटेल लाइन के मैं जॉब की लुधियाने MBD मॉल वैसटर्न मॉल ग्लोवस के लाइफ स्टाइल के मैं जॉब की लिवाइज़ तुम सुनिया होना इंटरनेशनल ब्रांड लिवाइज़ वो भी मैं जॉब की एक नैशनल ब्रांड है बींग ह्यूमन सलमान खान जी का ब्रांड आ उस ब्रांड के भी मैं जॉब की रिटेल लाइन के उत्थे मैं एज ए मेल ही जॉब की ठीक है उत्थे भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इदा सामना करना पैंदा सी जिदा स्टाफ वगैरह भी मतलब मेरे ना बैड वधिया ट्रीट नहीं सी करदे हुंदे कोई भी मेरे ना लंच टाइम इकट्ठे बह के लंच करना या मेरे ना चाह वगैरह टी वगैरह शेयर करना पसंद नहीं सी करदे मैं कल्ली बैठ के अपना जॉब के टाइम जिहड़ा मेरा टाइम लंच टाइम दिंदे सी उस टाइम मैं कल्ली ने बह के अपना लंच वगैरह करना या अपने फोन यूज़ करी जाना बैठी ने ना कोई मेरे ना ज़्यादा गलबात करनी पसंद करता सी ना कोई मुंडा ना कोई कुड़ी तो इदा जो कस्टमर जिदा कोई एजुकेटड कस्टमर ना मेरा वधिया रिलेशन भी बनता सीगा मतलब जेडे एजुकेटड होंगे समझते इस चीज़ को तो बट कुछ ना जिदा पिंडा टाइप के मुंडे या कोई जिदा अनएजुकेटड बॉयज़ कह देंगे आते सके वो मेरे ते कमेंट वगावाजी भी कर जाते कई बार भी इन्होंने तो महंतर किन्नर रखे हुए हैं खुसरे रखे हुए हैं इदा के वर्ड मैंने सुनने को मिलते सके वो देखो देखो टैंपू टैंपू काम करता है इतने इदा दल्ला मैंने सुनने को मिलती सगिया बहुत ज़्यादा मैंने फील हों तो मैं उस टाइम मैं लोड़ सी जॉब की क्योंकि मैं स्टडी का मैं शौक से मैं स्टडी करनी सी मैं प्राइवेट प्लस टू की मैं ग्रैजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो मैं ग्रैजुएशन की जिद भी मैं वधिया मार्क्स लेके पास हुई हैं डिग्री की है मैं तो उस टाइम मैं जो मेरी ग्रैजुएशन चल रही थी मैं तकरीबन 3-4 साल घरों बाहर रही हूँ फैमिली ने मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं मम्मी ने थोड़ी बहुत मैं गल करती सी भी जिदा मेरे एक दो कोई जानते उन्होंने फोन पर गल कर लेंदी होंगी सी नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी टुट गया फैमिली के न तो फिर मैनू मैसेज आया कि इदा करके डैडी बहुत ज़्यादा ढिले आ मेरे तो चल जिदा के भी सके चलो मैनू नफरत भी करते क्योंकि मैं किन्नर हाँ तां करके पर मेरे दिल से तो अपने प्यो प्यो लिए बहुत ज़्यादा प्यार सीगा तो मेरा दिल बहुत किया भी मैं जावा जल्दी मैं ग्रैजुएशन की तो कुछ मैं पैसे जोड़े हुए थे मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती सी मेरे दिल से सी उम्मीद भी मैं वह करूँगी 2011 की गल 10-11 की गल आई तो उस टाइम जो डैडी मेरे का मैंने मैसेज आया तो मैं घर आना चाहिए तो मेरी फैमिली ने तो मेरे रैलेटिवस ने मैंने स्पैशल फोन करके या मैंने इदा दसिया भी कहने तू इदा घर ना आई कहने तेरी आ रंग रूप देख के आ तेरा भेष देख के जो उन्होंने 4 दिन जीना उन्होंने तो भी नहीं जीना तो जोंदे जी मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी भी मैंने इदा प्रोपर इस लुक के नहीं देखा है ना ही वो देखना चाहते थे मैं माड़ा मोटा लिपस्टिक ला लेनी उन्ने तो ही उन्होंने बहुत ज़्यादा खिच चढ़ जाते तो मैं मतलब कुटते मारते क्योंकि मैंने एक बॉय बना के ही रखना चाहते थे तो फिर मैं अपने डैडी तो मिलना सगा जरूरी क्योंकि मैंने सारे ने मेरे सिस्टर ने भी सब ने मैंने यही कहा भी डॉक्टर ने मना कर दिया कहते भी 15-20 दिन के मेहमान ने भी इन्हों की सेवा कर लो तो पर मैं लास्ट टाइम उन्होंने मिलना चाहती सी इस करके मैं डैडी मिलन के लिए मैडम मैं अपने सारे बाल कटवा दते मेरे लंबे लंबे बाल वधाए हुए थे सारे मैं बाल कटवा दते छोटे छोटे बाल किए मैं अपने जिहड़ी लुक मेरे डैडी मेरी पसंद सी मैं सेम वो लुक लैके आँदी अपना नक् चो कन्न चो सारा कुछ कढ दिता मैं तो बाल छोटे छोटे करवा ले पेंट शर्ट पा के जेंट्स प्रोपर जेंट्स लुक के मैं अपने डैडी के सामने गई
जिन्ना डैडी मैनू नफरत करते उस टाइम डैडी नहीं वधिया लगे क्योंकि मैं डैडी की बहुत ज़्यादा सेवा की तो तकरीबन 5-6 महीने मैं डैडी की सेवा की उस टाइम जिते डॉक्टर ने 15-20 दिन किया उ 5-6 महीने डैडी इंप्रूवमेंट भी आने लग गई सी पर लीवर ही डैमेज हो चुका है तो उस टाइम फिर हॉस्पिटलाइज भी मैं डैडी द्वारा करवाया तो जो मेरे को पैसे जोड़े हुए स्टडी के लिए मैं सारे डैडी से खर्चे डैडी का लीवर डैमेज होने करके उन्होंने जिदा लैटरीन बाथरूम वगैरह का मतलब पता नहीं लगता उन्होंने वो मतलब जो तो बाद ही पता लगता भी मंजे पर ही हो जाता से उन्होंने तकरीबन उन्होंने मैं 6-7 महीने दे मैडम मंजे पर सांभिया उन्होंने तो जिद मैं मतलब थोड़ा उन्होंने वधिया लगन लग गया भी हाँ ठीक आ तो क्योंकि मैं प्रॉपर जो जिदा की लुक उन्होंने पसंद से मैं उदा ही रह के उन्होंने सेवा की तो चलो उन्होंने जो स्वर्गवास हो उस तो बाद ना जिदा मैं जो जॉब करती सी मॉल के उस टाइम के मेरा ना कुछ कस्टमर के ना वधिया रिलेशन बनया हुआ सीगा एक मेरा कस्टमर सीगा वो वैसे मेरे रैलेटिवस भी बाहर है जिदा मेरे नानकियाँ चो भी कुछ रैलेटिवस बाहर है पर किसी ने मेरी कोई हैल्प नहीं की क्योंकि वो मैंने पसंद ही नहीं करते हैल्प करनी तो दूर दीदी मैंने वो बुलाना भी पसंद नहीं करते मेरे को आना जाना भी पसंद नहीं करते हैल्प तो उन्होंने मेरी की करनी सी तो जो डैडी एक्सपायर हुए डैडी बीमार से सारा असी आप ही किया जो भी किया कुछ मेरे को पैसे जोड़े हुए थे चलो कुछ मम्मी के जेवर वगैरह से कुछ असी मकान सेल करता से अपना तो उस टाइम असी बिल्कुल रेंट पर आ गए थे तो कस्टमर साडे स्टाफ तो पता लगे कि इदा करके डैडी की डैथ हो गई ता करके जॉब पर मैं काफ़ी टाइम जॉब पर नहीं गई तो मेरा एड्रैस कन्फर्म करके मैं परसनली मिलना आए घर तो उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी उन्होंने सारी रियलिटी मैं दसी इदा करके इदा होया तो उन्होंने मतलब मैंने बहुत हमदर्दी दिखाई दी उन्होंने मैं यूके का वीज़ा मतलब मैं अप्लाई करवाया उन्होंने उन्होंने रैलेटिवस बाहर से मैं उन्होंने अज भी बहुत धन्यवाद करती मालक उन्होंने लंबी लंबी उम्र करे उन्होंने तंदुरुस्तियां दे उन्होंने हसते वसते रहन तो उन्होंने रैलेटिवस उन्होंने मैं स्पोंसर करवा के मेरा टूरिस्ट वीज़ा लगवाया तो वैसे मैं सोचा कि स्टडी वीज़ा लग जू पर स्टडी वीज़े के खर्चा बहुत ज़्यादा सगा तो उन्हें टूरिस्ट वीज़ा मेरा लगवाया यूके का मैनचेस्टर सिटी के मैं 2.5 साल रह के आई हूँ दीदी दो नंबर से ही रही हूँ जिदा गई मैं 6 महीने के वीज़े पर सी पर उन्होंने काफ़ी मतलब लिंक से काफ़ी पुराने उन्होंने फैमिली उत्थे बैठी सी काफ़ी तो उन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह मेरे ना से जिदा कॉन्टैक्टर होंगे ने उन्होंने थ्रू मैं जॉब करती सी पर बिना मतलब अपने पासपोर्ट तो अपने नाम तो किसी के नाम से जॉब करती सी जिदा मैं थोड़े नाम से जॉब कर रहा तो मैं किसी के नाम से उत्थे जॉब की मैं एज ए मेल रही उत्थे 2.5 साल तो उत्थे मैं अपने आप में जो मैं लुक डैडी के सामने लेके गई उही लुक च मैं बाहर रही हूँ एज ए मेल ही रही हूँ मुंडिया वगू रही हूँ उत्थे जॉब मुंडिया वगू की मैं किसी को फील नहीं होने दिता कि आम किनर आई एम नॉट अ नॉर्मल बॉय तो क्योंकि मैं नहीं चाहती सी सेम उही इनवायरमेंट उत्थे भी हो जिहड़ा इनवायरमेंट जॉब का मैं इत्थे छड़ के गई सी तो जिदे विच मैनू रहना वधिया नहीं सी लगता मैं नहीं सी चाहती भी उत्थे सेम उही इनवायरमेंट होवे उहदे करके मैं अपने आप नूं एक बॉय का नकाब पा के रखिया मतलब बॉय बन के मैं जॉब की 2-2.5 साल मैं उत्थे जॉब की जिदा ग्रास कटिंग की जॉब हाउस क्लीनिंग की जॉब इदां दीआं जॉब्स मैनू मिलदीआं हुंदीआं सीगीआं कार वाश वगैरह इदां दीआं जॉब्स मैं उत्थे कीतीआं तो उस तो बाद फिर मैं 2-2.5 साल बाद मेरा उत्थे मन नहीं लग्या चलो मैं उन्ने क पैसे जोड़ ले सके कि अपनी मम्मी नूं मैं मकान लैके दे सकां सिर ते छत हो जाए किराए तो छुटकारा होवे चलो मेरा ब्रदर भी स्टडी कर रही सी उन्हें प्लस टू कर ली सी प्लस टू करके उन्हूं भी मैं कोर्स करवा दिता सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उन्होंने किया एग्रीकल्चर लैब का मैं अपने ब्रदर नूं जॉब करवाया सी कोर्स तो फिर मैं वापस आ गई जी बाहरों तो वापस आके जो मैं मकान वगैरह मम्मी नूं बना दिता सारा चलो तो उस तो बाद फिर मैं मम्मी नूं मैं रिक्वेस्ट की मैं कहा मम्मी मैं इस नकाब च नहीं रहना चाहती हैगी जो मेरी लाइफ आ ना जिन्हां दे नाल मैं रहना उत्थे ही रहना चाहनी हाँ अपना किनर्स वांगू ही रहना चाहनी हाँ किनर्स दे नाल रहना चाहनी हाँ भी मैंने बहुत घुटन महसूस हुंदी है इस ड्रैस दे विच जां इस लुक दे विच भी मैं इदां नहीं रहना चाहती चलो मेरी मम्मी मेरे नाल एग्री हो गए तो चलो वो करके मेरे सारे रैलेटिवस मेरे नाल टुट गए साडी फैमिली नाल मम्मी नाल भी टुट गया आना जाना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिता बाद च तो उस तो बाद फिर मैं अपना वापस किनर्स दे विच अपना फंक्शनस वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए पीर की दरगाह के उत्ते मैं फंक्शन कर दी हाँ मैरिज फंक्शन के बोलियाँ जागो का मैं फंक्शन कर दी हाँ मैं वो फंक्शन वगैरह द्वारा स्टार्ट किए फिर प्रॉपर उही लुक के आई अपने हेयरस द्वारा मतलब बधाए तो प्रॉपर उस लुक के रहना स्टार्ट कर दिता तो फिर जो मैं काम स्टार्ट किया ना जिदा मेरी जी लुक सी उस टाइम एक तो एज उस हिसाब की सी तो एक लुक मेरी प्रॉपर गर्लिश सी जिदे करके मेरा जिदा कॉन्टैक्ट कुछ ऑर्केस्ट्रे ग्रुप के नाल भी होया जिदे विच मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम ऑर्केस्ट्रे ग्रुप ना भी काम किया तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा हरासमेंट मैडम होंगी सी
तो जिदा जेडे तो नाल ग्रुप के बॉयज़ गर्ल्स उ मेरे ना बहुत ज़्यादा मतलब ना बितकरा जहा रखते सके तो जिदा गर्ल्स ने कोले बहना मैं उन्होंने कहना साढ़े को तू कपड़े चेंज करने तो उधर जाके कपड़े चेंज कर तो जोड़े बॉयज़ होंगे भंगड़े वाले उन्होंने कहना ल कर ला तू कि कुड़ी इतने साढ़े सामने ही कर ला कपड़े चेंज इदा दी मतलब मैंने गल् मतलब सुनने मिलदियाँ सगिया तो जो थोड़ा पता जो मैरिज फंक्शन जो एंडिंग जी होंगी लास्ट से ना जिदा ड्रिंक करके बॉयज़ वगैरह जोड़े होंगे मैरिज के स्टेज के उत्ते नचना पसंद करते कुड़ियों के नाल तो जिदा असी ग्रुप के चार या पाँच जनिया होंदिया सगिया है ना जिदा एक मैं होना तो चार या मेरे तीन या चार होर कुड़ियां होनिया तो जोड़ा ऑनर होंगे साढ़े ग्रुप का उन्हें कुड़ियों नीचे बुला लेना रूम च तो मैंने कहना तू नची चल शराबियों तो मैं उत्थे नचन ला देना क्योंकि मैं एक किनर हाँ तो मेरा मैं भी है तो मैं भी इंसान हाँ मेरा भी दिल लग गया तो उत्थे उन्होंने मुंडिया ने मेरे हरासमेंट करनी नचती दी किसी ने मेरी बाँह मरोड़ देनी किसी ने मेरे इतने गल तो इदा हथ पा के नचना इदा का करना तो मैं अपने जो कंप्लेन के तौर पर मैं इदा देखना अपने मालक वालू जोड़ा ग्रुप ऑनर सगा उन्हें कहना कोई गल नहीं कुछ नहीं फर्क पैंता तू नची चल पैसे आ रहे तो मैं बहुत ज़्यादा फील होना भी मैं फिर की होया भी मैं किनर हाँ भी इस टाइम तो मैं एक एक कुड़ी के रूप के काम कर रही हूँ गर्ल के रूप के काम कर रही हूँ भी लोगों की मतियां पैना होंदिया ने तो बहुत ज़्यादा हर्ट मैनू होना तो चलो फिर मैं वो काम छड़ दिते उस तो बाद फिर मैं एक पीर की दरगाह के उत्ते जो फंक्शन दसते तो पैसे भी घट देंगे वो कुड़ियों हाँ जी बिल्कुल तो जी पेमेंट होंगी सी नॉर्मली है ना जिदा 1500-1700-2000 ये पेमेंट चलती सी एक कुड़ी की तो उन्होंने मैनू देना 800-1000 कभी 700 बस इदा ही मैंने उन्होंने पेमेंट भी घट देख तो नहीं काम मैं उन्होंने तो कुड़ियों तो भी ज़्यादा करना तो बाकी मेरे डांस दी वीडियोज़ तुम देखिया ही ने ते डांस दे काफ़ी लोग मेरे फैन भी होंदे सीगे चलो काम दे तौर ते उन्हां तो वधिया भी मैं परफॉर्म भी वधिया करना काम भी ज़्यादा करना उन्हां तो फिर भी मैनू पेमेंट घट मिलदी सीगी उन्होंने मैनू घट पेमेंट देनी ऑनर्स ने तो एक मेरे ट्रीट भी थोड़ा मैं दसिया बहुत ज़्यादा मतलब बैड करते सके तो उस तो बाद मैं उन्होंने जाना छड़ दिता कम मैं ऑर्केस्ट्रे का बंद करके फिर जो मेरा पीर की दरगाह के उत्ते जोड़े मैं फंक्शनस लगा हूँ भी लाइनी हाँ सारे मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार देंगे पिंड भरोवाल कल उस तो बिना नाल के लगते कई पिंड मैं जानी हाँ दरगाह के उत्ते जो सालाना मेले होंगे उत्थे जानी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत माण मिलता वा उत्थे जाके मैं परफॉर्म करती हाँ मेरे काम में जा बहुत ज़्यादा मतलब प्यार देंगे ने तो हूँ मैं जिदा मैं स्टार्टिंग तो ही सोचा हुआ कि मैं एक किनर हाँ पर मैं किनर वाला काम जानी मैं मंगण वाला काम नहीं करना मैं मंग के नहीं खाना चाहती मैं अज मैं मेरी 30-32 साल की उम्र हो गई आ तो मेरी शुरू तो ही सोच सी कि मैं कितने लाइटा दे खड़ के नहीं मंगना मैं बधाई नहीं मंगनी मैं कुछ इदा का नहीं करना जिस करके मैं किनर्स के नहीं गई मैं ज़्यादा किनर्स नहीं घूमी तो सिद्धवा बेट तो बाबा भोला जी ने तो जिन्होंने मैं गुरु मानती सी जिन्हों के नाल मैं कई बार काम से चल जाती जो वेली होंगी सी उन्हों तो बिना मैं किसी भी होर जिदा मंतों के जाके किसी अपना गुरु नहीं बनाया ज मैं मंग के खाना पसंद नहीं किया तो फिर उस तो बाद मैं सारिया ने जिदा सुजैसट किया तो जोड़े मेरे नाल सीगे या मेरी फैमिली या होर पिंड वाले ने मैंने सुजैसट किया भी कहें जोड़ा फंक्शनस का कम उन्ना चिर जिन्ना चिर फेस ब्यूटी आ जा लत्तां च जान आ नचूँगी परफॉर्म दिखाऊँगी तो किसी ने पैसे देने तो जो ये फेस की जी ब्यूटी घट जूगी या एज हो जूगी उस तो बाद अपना कोई ना कोई हल होना चाहिए रुजगार का रोटी का कोई ना कोई होना चाहिए वा इस करके फिर पिंड के सरपंच साहब तो पिंड की जड़ी पंचायत मैंबर ने या पिंड के सारे जिन्हें भी इलाका निवासी ने सारे ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिता उन्होंने मैनू प्रॉपर पेपर बना के दिता कि जोड़ा पिंड वा ये असं किनर्स में बधाई देनी है भी होर भी बहरों किनर आते हैं तुम पिंड के किनर हो भी असं तुम्हें भी बधाई देवे सारी तो उस तो बाद फिर मैं पिंड मंगना स्टार्ट किया मैं हूँ पिछले 2-3 साल तो मंगना स्टार्ट किया वा उस तो पहले मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं मंग के खाव क्योंकि मैं हले भी बुरा लगता मैं मंग के ना सीरीयसली हजे भी मैंने इन्ना वधिया नहीं लगता मंग के खाना जिदा मैं जानी हाँ कणक मंगन जानी हाँ मैं कणक वैसे बहुत मैं प्यार बहुत देंगे ने पिंड वाले पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बैड फील हों भी मैं पढ़ी लिखी हाँ है ना मेरे हाथ पैर सलामत आ मैं फिर भी मंग रही हाँ मैं हले भी फील हों पर फिर सोचती हाँ भी मैं एक किनर हाँ मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हैगी मैं एक किनर हाँ तो जो मेरे नसीबा में लिखा हुआ वा वो मैं मंग रही हाँ तो हूँ पिंड च जानी हाँ मैं बधाई बधाई भी मैं मंगती हाँ तो भरोवाल कलों के तो मैं अपना दिवाली जन दिवाली भी मैंने पिंड वाले देंगे दिवाली मंगन भी जाती हाँ तो मैं कणक भी मंगती हाँ हाड़ी जिन्होंने कह देंगे तो उस तो बिना मैं अपना मैं ज़्यादा फंक्शनस लगा के खुश हाँ क्योंकि उत्थे मैं सुकून मिलता क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई होंगी मेहनत करके मैं कमाई पैसे लेके आनी जितों भी पेमेंट लेंदी हाँ या मेरा माण तान करते हैं वो सिर्फ मेरी मेहनत करके मेरा करते हैं वो मैं ज़्यादा पसंद है काम
अच्छा एक होर तुसी दस दे सी कि जदों तुहाडे ब्रदर दा ब्याह हुंदा आ तुहानू सद्दे नहीं ते जदों उहनां दा बच्चा हुंदा है ना वी हुंदा है ना कि भरा दा बेटा आ बच्चे नूं चा आपां नूं चा चढ़दा है ना बच्चे दा पर तुहाडी भरजाई तुहानू चक्कण नहीं सी दिंदी। हाँ जी बिल्कुल, इह वी तुहानू मैं दसणा सी इंसीडेंट। मेरे ब्रदर दी मैरिज होई जी, मैं अपने ब्रदर नूं मेरा ब्रदर दसवीं क्लास सी जदों मेरे डैडी दी डैथ हुई है। मैं अपने ब्रदर दे लई मैं अपने फेस ते नकाब बॉय वाला पा के मैं काम किया, बाहर भी गई ठीक है, तो मैं घर बनाया उन्होंने पढ़ाया, मैं अपने ब्रदर प्लस टू करवाई, मैं एटलीस्ट प्लस टू तो की होनी चाहिए आ। फिर मैं उन्होंने एग्रीकल्चर लैबोरेटरी का मैं कोर्स करवाया तो जिदे करके हूँ वो रोटी खा रहा वा, एग्रीकल्चर की ही जॉब करता, एग्रीकल्चर उस लैबोरेटरी जॉब करता जिद फूड टैसटिंग वगैरह होंगी है उस जॉब करता वा, वो सारा मैं करवाया। उस टाइम वे मैं सारे शौक पूरे किए, मैं आप काम करती सी उन्हें मैं काम नहीं करनी, तो मैं तू जब तक प्लस टू नहीं करता कोर्स नहीं करता उद तक तू कोई भी जॉब स्टार्ट नहीं करनी। उन्होंने बाइक लैके दिती, उन्होंने मोबाइल चाहिए सगा, उन्होंने मोबाइल सारा कुछ जानी वे शौक पूरे किए। फिर जी उन्हें मेरे ना मैं तो घर नहीं रही, मैं घर छड़िया होया सगा डैडी की डैथ तो बाद की गल आ, तो उन्हें मेरे ना डिस्कस की भी मैं लव मैरिज करवानी भी मेरी क्लासमेट सी कुड़ी, तो मैं क्या मैंने की प्रॉब्लम हो सकती, क्या मम्मी नहीं मानते, मैं क्या मम्मी ना मैं गल कर लेनी, चल मम्मी ने मैं समझाया मैं इन्होंने करा लें तो अच्कल सारे करवाए कोई गलत नहीं है, शहर की कुड़ी सी इन्होंने जी लव मैरिज करवानी सी, तो वो ब्रदर जॉब नहीं हजे कर लगा, स्टार्ट की इन्नी सैटिंग नहीं सी, कोई इनवैसटमेंट नहीं हैगी, कुछ भी मतलब सेविंग नहीं सी हैगी, तो मैं सारा मैं क्या भी तू टेंशन ना ले मैं सारा कुछ करूँगी, मैं सारा मैरिज का जो भी खर्चा उन्होंने होया मैं किया, पर मैनू मैरिज से इनवाइट नहीं किया गया। मैंने मैरिज से इनवाइट नहीं किया गया, कारण यही कि मैं किनर है, मैंने मैरिज से इनवाइट नहीं किया गया, मैंने बहुत ज़्यादा फील हो, मैं क्या मेरा भरा जिन्होंने मैं बच्चों वागू पालिया अपना बेटा समझ के पालिया, मैं उन्होंने भी तुम आओ मैनू दसिया नहीं मैरिज कि तरीक की है। अच्छा। मैरिज तो बाद मैं पता लग गया स्टेटस देख के फोटो देख के मैरिज हो गई है, मैनू पता ही नहीं, मैं सारा खर्चा मैं दिता, मेरे तो पैसे भी लैके गए, असी शॉपिंग करनी असी मैरिज प्लान कर रहे हैं, जस्ट मैनू यही दस दे रहे हो, पर मैनू मैरिज तो दूजे तीजे दिन पता चल रहा कि मैरिज होगी, उस दिन उस टाइम मेरे दिल से की बीती होगी तुसी फील कर सकते हो इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा मैनू बुरा लग्या, पर फिर भी मैं सोचा मैं अपनी औकात मैनू याद आ गई, मेरी औकात यही है। फिर मैं मैरिज ते नहीं गई, तो उस तो बाद मेरे ना गलबात शुरू की मेरे मम्मी ने, चलो मैनू फील तो होया बहुत, तो पर मैं शुरू किया फिर थोड़ा हौली हौली, फिर घर में आना जाना शुरू किया, मैं बहुत घट आँदी सी घर, मैनू पता लग गया कि सिर्फ पैसे करके मेरे ना कॉन्टैक्ट रख रहे हैं, मैनू ये फील होया भी सिर्फ पैसे करके कॉन्टैक्ट रख रहे हैं, पर खर्चा चाहिए कोई चीज़ लियानी करनी उन्होंने मैनू ही फोन करना, मैनू मेरा पैसे नू वेलकम सी मैनू वेलकम नहीं सी हैगा, मेरी एंट्री उन्होंने पसंद नहीं सी हैगी करे, सिर्फ मेरी एक माँ सी जिन्हों मेरा मेरे ना मिलना बिल्कुल ना मेरे को आना जाना पसंद सीगा, उस तो बिना मैनू ये फील हुई ये चीज़ पर मतलब मैनू प्रॉपर तरीके दे ना मैनू फील कराया गया कि यू आर अ किनर, यू आर नॉट अ नॉर्मल, भी तुसी साडे परसनली कुछ नहीं लगते, तुसी जस्ट एक किनर हो, भी साडे ना रिलेशन रखना तो पैसे ना रखो, तो चलो ये चीज़ मैनू बहुत ज़्यादा फील हुई, ब्रदर नू भी थोड़ी बहुत फील हुई जो तो मैं आई घर काफ़ी टाइम बाद, उन्हों का बेटा होया मैं उदो घर आई, मेरे ब्रदर के बेटा होया तो कह रहे मैरिज तो डेढ़ दो साल बाद, उस टाइम मैं घर प्रॉपर आई मैनू पता लग गया, मैनू बहुत खुशी हुई, फिर भी सर मेरे भरा दी अंश आ, चलो मेरा परिवार बढ़िया आ, मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो मैं अपने भतीजे के लिए कपड़े वगैरह भी लैके आई, तो चलो जो भी गिफ्ट वगैरह लेके आई, पर मेरा कोई भी गिफ्ट एक्सैप्ट नहीं किया गया, मेरी भरजाई वालों मेरा कोई भी गिफ्ट एक्सैप्ट नहीं किया गया, मेरे गिफ्ट वगैरह उन्होंने कुछ आंढ गुआंढ दे दते कुछ बाहर सुट दते, मैंने वधिया वधिया कपड़े लैके आई, मैं सगो दी मैं कहा चलो मेरा भतीजा आया पहला बच्चा आया मैं जावा, मेरे कपड़े भी बाहर सुट दते गए, कपड़े भी एक बार भी नहीं पाए मेरे कपड़े, बस मैं रखे उधर रख ले। हाँ जी उस तो बाद फस्ट टाइम मैंने चक्कण तक नहीं दिता गया, तो फिर मैं एक दिन अपने घर गई तो मेरी भरजाई ना जिदा किचन चीगी तो बरे मेरे मम्मी को फड़या हुआ मुंडा, तो मैं जाके चक लिया, मेरा दिल नहीं सी करता, मेरा भी चलो ठीक है मैं आप नहीं माँ बन सकती पर अपने भतीजे ने तो खड़ा सकती हूँ बच्चा गोदी से तो लै सकती हूँ, मेरा बहुत मेरा मन सगा भी हाँ मैं इनू गोदी चक्का है ना खड़ावा, मैं गोदी चक्या इन्हें मेरी भरजाई आ गई, उन्हें मेरे हाथ चो इदा बच्चे खो लिया, कहें असं खुश रहे परछावा नहीं देना चाहते बच्चों, इदा क्या
तो उदा मेरे ब्रदर भी कहती रही भी इनू क्यों साढ़े घर ना आया करे। मैं जो बाहर अंदर जाती हाँ मेरे रैलेटिवस या मेरे फ्रेंड्स मैंने पूछते भी ये तेरा जेठ आ कि तेरी ननान आ की चीज़ आ ये इदा इदा उन्होंने मैनु कहना पहला तो मेरे पुत्र पेट पिछे फिर मेरे सामने भी मैनु कहन लग गई सी इदा ते तेनू किन्नी वारी किया साढ़े घर नहीं आने की लोड़ हैगी भी मानता मानता ची चंगे लगते हैं मानता ची रिहा कर साढ़े घर तेरा की आने का मतलब इदा दी गल्लां मैनू जो सुनने को मिलदियां सीगियां खबरदार हो जा जी मेरे मुंडे नू हाथ लाया तां ते चल किते ना किते फिर भी मेरा खून सी मेरा भरा सीगा उन्हें मेरी फीलिंग थोड़ी जी होई मेरी फीलिंग नू उन्हें समझिया ते फिर उन्हां दी आपस च मेरे करके अणबण स्टार्ट हो गई मेरी भरजाई दे नाल जिहदे करके फिर हौली हौली करके वो सैपरेट हो गए जिहड़ा बेटा हुण भी साढ़े कोल आ ते फिर मेरे ब्रदर की असी सैकेंड मैरिज की थी। जो तुसी घर जाते बिहेव करते फिर तुसी जाने से घर छड़ता सी जाना मैं बहुत घट करता सी मैं मेरा दिल फिर भी है ना अपना खून सी मैं अपनी माँ करके अपने भरा करके मेरा क्योंकि छोटे छोटे होंदे नू पालिया होया सीगा फिर भी मेरे बच्चियां वांगू सी मेरा छोटा भरा उहदे करके मैनू जाना पैंदा सी मेरा कहिंदे दिल तां दिल हुंदा सारिआं दा ही चाहे मैं इक किनर आ पर मेरे दिल तां इनसाना बड़ा लग्गिया होया मेरे दिल च भी प्यार आ ते चलो प्यार की खातर मैं दीदी जाती हूँ सी घर बेइज्जती करा के मुड़ी आँदी सी बस जाती सी ना किसी ने मैंने चाह पुछना ना पानी पुछना मेरी मम्मी हैगी बैठी तो उन्हें चाह पानी मैं दे देना आ तो भरजाई ने ना कदम मेरे कोल बहना ना बुला ना कदम मैं काका चक्कन देना ना मैं काके दे उन्हें बस अपने कुंडा भेड़ देना कमरे से जाके तो बेशक मेरा घर सीगा जे मैं चाहती तो उन्होंने कह सकती सी मेरे गेटों बहर होगा मेरा घर वाए पर मैं नहीं इदा नहीं किया इस चीज़ में मेरे ब्रदर ने समझे फिर उन्हें समझाया भी भाभी पर मेरी भरजाई समझी नहीं उन्हें समझाया भी इस घर का मालक वो महानता भी जी अज सिर पर छत वत वो करके आ भी उन्हें बाहर जाके ओवर टाइम कर करके सेविंग की सेविंग करके मकान बना के दिता सानू ठीक है ये मकान वह आ वो सानू घरों बहर कढ़ सकती है पर आप उन्होंने नहीं कह सकते भी घरे ना पर उस चीज़ में समझे थोड़ा जहाँ करके फिर उन्होंने अणबण जी स्टार्ट हुई तो चलो उन्होंने सैपरेशन हो गई तो चलो सैपरेशन होने तो बाद मेरे ब्रदर ने मैनू मतलब ओपनली कहा भी तेरा घर वा जो मर्जी तू आ इत्थे ही रह उन्होंने मैनू कंपेल किया मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वधिया सीगा ते हाँ ते पर मैनू इस चीज़ का दुख भी सीगा भी मेरे भरा का घर खराब हो गया मेरे भरा का घर उजड़ गया इस चीज़ का दुख भी सीगा पर उस तो कई ज़्यादा गुणा मैनू इस चीज़ की खुशी सीगी कि उन्होंने मैनू एक्सैप्ट किया है जिदे करके मेरी मम्मी भी खुश सीगे चलो मेरे सिस्टर वगैरह मैं अपने सिस्टर कोल नहीं जाती क्योंकि मेरे जीजा जी मैनू एक्सैप्ट नहीं करते मेरे सिस्टर चलो उन्होंने मेरा वधिया रिलेशन वो जो भी आते मिल के जाते हैं तो पर मैं उन्होंने कोल नहीं जाती हैगी तो मैं अपने जिदा घर ही रहती हाँ तो उत्थे भी मैनू जाना तो नहीं पसंद है उत्थे भी जिदा जो मेरा भाणजा होया सीगा उस टाइम मैं 3-4 लाख का खर्चा किया एक मैं चैन सोने की उन्होंने पाई जो पंजीरी देकर भेजा कपड़े वगैरह सारे पर मैनू उत्थे जाने का ऑर्डर नहीं है कहते तू ना आई भरा भरजाई भेज दे मम्मी भेज दे तू ना आई हाँ जी कहते तू मैं कहती शरीके च बैठी हाँ मैं शरीके च बैठी हाँ मेरे जेठ जठाणी आ मेरे सारे रैलेटिव मतलब जोड़े होंगे शरीका कहें जिन्हों चाचे ताया की गांह नूह वगैरह सारिया तो मैं कि पुछणगे मैं की कहूँगी भी कौन मैनू आ चीज़ बहुत ज़्यादा फील होंगी है कदम कदम ये चीज़ भी जो फील भी कराया जाता भी हाँ थोड़ी लौड़ नहीं हैगी थोड़े पैसे की लड़ है थोड़ी लड़ नहीं हैगी ये चीज़ मैंने बहुत बारी फील करवाई गई अपने तो ही तो चलो उस तो बाद फिर मैं उत्थे जाना बिल्कुल ही नहीं पसंद किया मैं मुड़ के गई नहीं बिल्कुल भी चलो वो आँदे आया चलो मिल लईदा आ तो हूँ मैं अपनी फैमिली ही रही हाँ मोस्टली जेडे किनर्स ने अपने गुरुआ की सेवा करते गुरुआ को रेंदे कद पिंडा के लिए भी सानू असी गुरु पिंड मंगता अगे थोड़ा पिंड दे दूंगा मंगने वास्ते पर मेरी सोच ये नहीं हैगी मैं उस इंसान इंसान नहीं समझती जोड़ा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता गुरु की सेवा करन का कोई फायदा नहीं जब तुम अपने माँ बाप नहीं सामभिया माँ बाप नहीं समझिया जे तुम माँ बाप की सेवा करते हाँ गुरु की इज्जत करो रिस्पैक्ट करो सेवा भी करो पर उस तो पहला माँ बाप ने जिन्होंने अपन जग दिखाया दुनिया दिखाई है चाहे बेशक किन्नर आ पर माँ ने तो उन्ना ही दर्द सहया वा 9 महीने पेट च भी रखे आ ठीक है दर्द सह के अपन जन्म भी दिता वा अपन पालिया भी आ बहुत किन्नरस इदा के है जिन्हें मावं उन्होंने घर रखना चाहदियां ने पर बड़े हो के अपना घर छड़ के बाहर चले जाते हैं मैं उन्होंने लानत पाँनी उन्होंने इंसान नहीं समझती मैं चाहनी हाँ भी सारे किन्नरस ने पर किन्नरस नूं बर्थ गुरु नहीं दिंदा किन्नर नूं जन्म माँ दिंदी है इस करके माँ प्यो की सेवा बहुत जरूरी है अपने माँ बाप नूं कदे ना भुलो कदे ना छोड़ो हाँ जिहड़े बर्थ तो ही जिन्हां नूं किन्नर लै जांदे ने जन्म तो लै जांदे ने जिन्हां नूं पता नहीं माँ बाप बारे चलो उन्हां दी मैं उन्हां तों सॉरी भी फील करदी चलो उन्हां ने तां गुरु नहीं समझना क्योंकि जिन्हें पालिया उन्हां नूं
पर जिन्हें पता अपने माँ बाप बारे वो अपने माँ बाप को कदे ना छोड़ो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के नाल रहो। तो ब्रदर की सैकेंड मैरिज होंगी है ना, तो फिर जो थोड़ी भरजाई आँदी है ना, दूजी भरजाई आँदी है, तो फिर उन्होंने वतीरा किदा होंगे थोड़े न? उन्होंने बहुत वधिया वतीरा जी, उन्होंने जिदा इन्हों की जो सैटिंग हुई है गलबात सारी की, इन्होंने मैं नाल जाके देख दिखाई है जो होंगे, मैं नाल रही, उन्होंने मैंने मूहरे रखिया। हुण मैनू बहुत वधिया फील होया जदों उन्होंने जो कुड़ी लभी, उन्होंने देख दिखाई कि तो कुड़ी की भी सैकेंड मैरिज सी, तो भी पहला डिवोर्स होया हुआ सीगा, तो चलो जो देख वगैरह गए सारे, उन्होंने मैंने मूहरे रखिया। मैंने बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम, मतलब मैं दस नहीं सकती जिन्नी मैं खुश सी। चलो सारी गलबात पहले ही हो गई सी, उन्होंने पहले ही क्लीयर सी भी जी जानी इन्हों ब्रदर आ जा सिस्टर आ एक किनर आ, तो वह बहुत वधिया फील, मतलब हूँ भी वधिया ट्रीट करते घर ही रहेंगे इन्हों की मैरिज में, तक तीन चार साल हो, तीन साल होने वाले आ, तो बहुत वधिया रह रहे हैं। उदा उदा ही दर्जा देंगे जिदा जे थोड़ी जगह कोई भैन हों भरा हों है ना, जे उन्हों जिदा मिलता उदा का ही दर्जा देंगे थोड़ी भरजाई है जी? हाँ जी, वो एजुकेटड ने जी, दोनों ही चलो पढ़े लिखे ने, हूँ मैं सेम उ दर्जा मिल रहा वा जो मैं पहला मिलना चाहिए सी। अच्छा, जिदा तुसी एक गल होर कहिंदे सीगे कि बेशक तुहाडे फादर साहब तुहानू कुटदे सीगे, पर भरा ने कदी रोकिया टोकिया नहीं, कदी कुछ किया नहीं? हाँ जी, मेरे ब्रदर ने, क्योंकि वो ना कदे भी नहीं, क्योंकि वो छोटा सीगा मेरे तो, उन्हू क्योंकि मैं ही तो पालिया सीगा, टेंथ क्लास का बच्चा किन्नी उम्र होंदी आ, उहदा स्टडी का सारा, उहदा घूमण फिरन का, उहदा स्कूल का ट्यूशन का सारा खर्चा वगैरह तो मेरे तो लैंदा सी, मैनू मैं सीनियर सी उहदी, एक साहब दी प्यो समझ लो, माँ समझ लो, मैनू ही समझदा हुंदा सीगा, इस करके उहने कदे भी मैनू गलत नहीं किया, ना कदे उन्हें मैंने पहला कभी गलत किया, ना कभी हूँ मैंने कभी गलत किया। एक चीज़ होर तुसी कहने के भी मैं महानता ये मैनू एक शराफ मिले होया। बिल्कुल जी, सही है, हूँ मैं किन्नर होना एक शराफ ही है जी, कोई पिछले जन्म की कोई इदा की कोई पाप किया होगा या कि कुछ इदा का किया होगा जो सू लाइफ मिली है, कल मैनू नहीं, मैं सोचते सारे किन्नर एक शराफ की जिंदगी भुगत रहे हैं असं, ठीक है, कल रहना बहुत औखा है, ठीक है। हुण दुनिया के उत्ते नर बने मादा दे वास्ते, मादा बनी नर वास्ते, मेल फीमेल वास्ते, फीमेल मेल, असी तो कल्ले रहने वास्ते रब ने बनाया सानू, ते असी कल्ले ही जिंदगी कढ़नी है सारी, ठीक है, ना बच्चे होने आ, ना ना हसबेंड, ना वाइफ, ना कुछ, सिर्फ कल्ले ही रहना एक पेड़ दी वांगू, बस जिदा एक पेड़ है ना, दरख्त वा, दरख्त नूं तां फिर फुल बूटे लग जांदे ने, सानू तां ओह वी नहीं लगणे, इस करके असी अपनी आप दी लाइफ नूं शराप ही मानदे आ। इक परमात्मा नाल रोस हुंदा कितने ना कि परमात्मा का रोस हों जी, भी रब्बा जा तो सानू प्रोपर कुड़ी बना दिता, प्रोपर एक औरत बना दिता, तो जिनी मेरी उम्र हूँ एक दो बच्चों की माँ होंगी अपना घर सामभदी, या एक प्रोपर मर्द बना दिता, ठीक है, सेम दुनियादारी पे होंगे, कोई किसी काम ड्यूटी जॉब लगे होंगे, ठीक है, आने बच्चे वेट करते भी, हाँ शाम मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने जॉब तो आना है, तो हूँ सानू कोई अगे पिछे डीकन वाला ही है नहीं, सानू कोई पूछने वाले हैं नहीं भी कितने जा रहे हो, कितों आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा, तुम लेट क्यों हो गए, कितने रह पे, तुम किसी ने कोई फर्क नहीं पैंता, जिम्मे कितने बाहर काम धंधे से जानी दो चार दिन बाहर लग भी जाते तो मेरे अगले पिछले किसी ने कोई फिक्र नहीं होंगे भी कितने आ रही है कि नहीं आ रही, तो जे नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, लेट होगी तो क्यों होगी, इदा के सवाल करने वाला कोई नहीं है जी। कल्लापन महसूस होंगे बहुत ज़्यादा, तुम भी सियाने हो जी, तुम एक औरत हो, तुम मेरी फीलिंग भी समझ सकते हो, तो लाइफ के बहुत गल्लां परसनली इदा दुनिया ने जिड़ी आप अपने लाइफ पार्टनर ना शेयर करते हैं, ठीक है, अपने ब्रदर नाल नहीं शेयर कर सकते, आप अपने फ्रेंड नाल नहीं शेयर कर सकते, अपने माँ बाप नाल नहीं शेयर कर सकते, अपनी परसनल कुछ इदा दियाँ प्रॉब्लम्स कह लो चाहे कुछ इदा दल्ला होंदिया ने जिड़ियाँ एक लाइफ पार्टनर नाल नहीं शेयर होंदिया ने, जो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड नाल शेयर होंदिया ने, ठीक है, वो चीज़ा फिर सानू दिल च घुट के रखनिया पैंदियां ने, जे किसी आप दसांगे तो लोग ताड़ी मार के हसते हैं, आ खुसरा की करी जाता, इदा दल्ला सुनने को मिलती ने। ख्वाहिश है? ख्वाहिश ख्वाहिश तो हूँ कोई नहीं रह गई जी, ख्वाहिश पहला सी कि मैं पढ़ लिख के मैं कितने जॉब करा, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग दे मतलब लाइन दे विच मेरा सीगा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा इंट्रस्ट सीगा, रुचि सीगी, अज भी मेरा बहुत दिल करता, जिदा मेरी ग्रेजुएशन की हुई है तो होर स्टडी करने भी दिल करता, मेरा बहुत दिल करता भी मैं होर स्टडी करा, तो स्टडी करके मैं एक टीचर की जॉब करा, एक डांस टीचर बना या कुछ होर किसी सब्जेक्ट, एक टीचर बनने का बहुत शौक सीगा मैंने शुरू तो ही, अज भी मेरे दिल च बहुत तमन्ना टीचर बनने की। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात की टाइम दिता सन, थैंक यू सो मच, थोड़े चैनल
दे नाल जुड़े जिन्हें भी स्रोते आ सारे तय दिल तो शुक्रगुजार करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, तुम मैं इस काबिल समझे कि तुम अपने चैनल से मेरी इंटरव्यू पा रहे हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जी। सो जी, यह नेहा महंत इन्हों की जिंदगी बारे तो जाणू करवाया। वीडियो चंगी लगी शेयर जरूर कर दौ। मैं दौ इजाजत, सत श्री अकाल।